इस फिल्म में हिंदुओं के साथ मजाक बनाया, कैसे रोमांस कर रहे हैं और वो भी भगवा कलर में था। रवीश कुमार का अभी हाल ही में एक वीडियो आया था, कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी थी। शंकर ब्लॉग्स, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म पठान के बारे में, जिसका जोर से अब विरोध किया जा रहा है कि इस फिल्म को रिलीज न किया जाए। क्यों नहीं किया जाए? क्योंकि इस फिल्म का एक गाना आया था बेशर्म, जिसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान नजर आए थे। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण जो बिकनी पहनी थी वो भगवा कलर का था। इसको लेकर एक आंदोलन चल रहा है कि इस फिल्म में हिंदुओं के साथ मजाक बनाया गया, यानी हिंदुओं के धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया है और मजाक बनाया गया। क्या ये पहली बार हुआ है? जी नहीं, इससे पहले भी भोजपुरी के कथित सुपरस्टार भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं और बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं। आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का एक गाना, जिसमें अक्षय कुमार रोमांस कर रहे हैं कैटरीना कैफ से और कैटरीना कैफ भी भगवा कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो ये इसका विरोध क्यों नहीं किया गया, इनका छोड़िए, चलिए भोजपुरी फिल्मों में चलते हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले रवि किशन, जिन्होंने बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में भी काम किया, उनका भी एक गाना आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि कैसे रोमांस कर रहे हैं और वो भी भगवा कलर में। इनका छोड़िए, एक और सुपरस्टार है मनोज तिवारी, जो भाजपा के अभी वर्तमान में सांसद भी हैं और दिल्ली से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार रह चुके थे, लेकिन किस्मत इनकी खराब, ये चुनाव हार गए और मुख्यमंत्री नहीं बने। इनका भी आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, ये भी अब भगवा कलर का पहने हुए। गाना का बोल इतना खराब है कि मैं नहीं बजा सकता। क्यों नहीं बजा सकता? क्योंकि कॉपीराइट आने का डर है। इन सब का बात छोड़िए, एक और सुपरस्टार है भोजपुरी फिल्म के, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि अभी हाल ही में भाजपा के तरफ से सांसद बने। इनका भी एक आपको फोटो और वीडियो नजर आ रहा होगा, जिसमें निरहुआ और आम्रपाली दुबे दोनों रोमांस कर रहे हैं और देख सकते हैं कि आम्रपाली दुबे भी भगवा कलर की कपड़ा पहनी हुई है। तो क्या इन फिल्मों का विरोध क्यों नहीं किया गया? आप एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिसको पहले भी किया गया, लेकिन आपने उस समय कुछ नहीं किया और अभी कर रहे हैं। इसे विरोध करने का मुख्य उद्देश्य क्या है मुझे नहीं पता। रवीश कुमार का अभी हाल ही में एक वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने बताया कि यह सिर्फ और सिर्फ जो भी बेरोजगार युवा हैं, जिन्हें नौकरियां तो नहीं दी जा रही, लेकिन उन्हें भटकाने का काम किया जा रहा है। एक गैंग है जो कि ऐसे ऐसे काम करता है जिसमें युवा फंस जाते हैं, विरोध करने लगते हैं, सपोर्ट करने लगते हैं और नौकरी की मांग भूल जाते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार जो है युवा के मुद्दा को नहीं देख रही है कि युवा को नौकरी का जरूरत है? बेरोजगारी कितना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी मुद्दा ला रही है कि इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाए। अभी आपको दिखेगा कि एक और फोटो दिख रहा होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी हैं और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी, ये भी भगवा कलर के पहने हुए हैं और डुबकी लगा रहे हैं। कहाँ देखिए, कहाँ पहने हुए। अब मान लीजिए जब यहाँ पहने हैं, अब नहाएंगे तो आपके शरीर से टच होगा कि नहीं होगा? देखिए, आप मुझे वीडियो देखकर गाली दे सकते हैं, तो ये आपकी ओपिनियन है, ये आपकी राय है, लेकिन हर एक की राय होती है, जो कि सुनना भी होता है और बोलना भी होता है, और संविधान ने आप सभी को और हमको भी हक दिया। ठीक उसी तरह मैं भी बता रहा हूँ, इस फिल्म को विरोध करने का कोई कारण नहीं बनता है। अगर बनता भी है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, कि चलिए हमारे धर्म को आहत पहुँचाया गया, लेकिन इससे पहले भी तो किया गया है, उस समय क्यों नहीं किया गया? आप बोलेंगे कि उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी थी, तो उस समय भी तो विरोध कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। अक्षय कुमार देख सकते हैं कि वो जाते हैं और मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं कि आप सोते कैसे हैं, जगते कब हैं, आम कैसे खाते हैं, बताइए, ये सब मुद्दा है पूछने वाला? ये सब कोई मुद्दा है? ये मुद्दा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी किया जा रहा है। बात कुछ नहीं, सिर्फ हमको और आपको भटकाने का काम किया जा रहा है। मैं चाहता तो इसे और भी अन्य यूट्यूबर की तरह चिल्ला चिल्ला कर बोल सकता था, लेकिन चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। बात को सुनिए और बात को समझिए कि आखिर बात कौन सही बोल रहा है। हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ये भैया बिल्कुल गलत है। आप बात को समझाइए ताकि दर्शक आपकी बातों को देखकर अच्छे से समझ जाए। अब फिल्म को हिट होना और फ्लॉप होना दर्शकों पर निर्भर करता है। अभी कुछ दिन पहले एक और फिल्म का विरोध किया गया था, कुछ दिन पहले नहीं, कुछ सालों पहले, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म थी, फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, आपको स्क्रीन पर उसका हम पोस्टर दिखा देंगे एडिटिंग के समय। उस समय भी विरोध किया गया था, वो भी हिंदू मुस्लिम को लेकर था, लेकिन फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई थी। तो ये कि मुद्दा है, जानते हैं कि विरोध कीजिए, बॉयकट कीजिए और फिल्म हो जाता है सुपरहिट, और फिल्म को सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर कराने का एक सबसे आसान फार्मूला है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप चाहते हैं कि आप फिल्मी न्यूज़ जानना चाहते हैं, बहुत सारी खबरें जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। मैं हूं रविशंकर कुमार, कैमरा पर्सन रविराज विश्वास के साथ, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।